कल्लू जी को जैसे कैसे देखिए स्वागत कर रहे हैं। और आशीष के लिए मैं कल्लू जी से गुजारिश करूंगा ये पुष्पहार अपने उस नयाब हीरा को पहनाए जिन्होंने भोजपुरी को जिंदगी दी और भोजपुरी को बहुत बड़ी ऊंचाई दी। और विश्व वेदा स्वस्ते नस्तारक्षो आरिष्टाने में स्वस्ते नो बृहस्पतिर दधातु स्वस्ति धन्यवाद देता हूँ आप किसान चौधरी में कलाकारों की मैं सभी कलाकार बंधु डायरेक्टर सभी टीम को मैं तहे दिल से करता हूँ और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जलवा फिल्म पूरे यूपी का पूरे भारत में अपना जलवा भी करते नहीं बाबा विश्वनाथ से करता हूँ। कायणा हिरण्यकोशतानी काय सुमनस्यमाना तन्मता दुखव दूर होई कृपा जरूर होई हो बाबा विश्वनाथ के भक्ति जब मंजूर होई जलवा जरूर होई हो। भोजपुरी फिल्म जलवा काशी से शुरू हो रही है और काशी के आसपास आपका जलवा काफी है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आप सभी को सादर प्रणाम। और फिल्म का नाम है जलवा और काशी जो जगह है बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ का जलवा आप सभी जानते हैं, जहाँ पे बाबा विश्वनाथ खुद हैं, जहाँ पे दर्शन करने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। तो यहाँ का जलवा मतलब जितनी भी इस जगह की तारीफ़ की जाए कम होगी। और काशी के आजू बाजू की रही बात तो आज भोजपुरी भाषा के माध्यम से हमारे गानों के माध्यम से हमारे फिल्म के माध्यम से यूपी बिहार ही नहीं पूरे देश विदेश में भोजपुरी का जलवा है, तो हम लोग का सौभाग्य है। और मेरा ये सौभाग्य है कि जलवा टाइटल मुझे मिला, तो इसका क्रेडिट जाता है हमारे लोकेश मिश्रा सर जो प्रोड्यूसर हैं उनको और सुजीत सर को। और जलवा की शूटिंग इस काशी नगरी में हो रही है। बात करें जलवा की तो दर्शकों को कैसा जलवा देखने को मिलेगा? आपका पहले भी कई फिल्में सुपरहिट हो चुकी है, तो किस तरीके का दर्शकों को जलवा देखने? देखिए जो नहीं सोचे होंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जलवा दिखाएं, क्योंकि जलवा टाइटल रखने से नहीं होता है, जलवा का जलवा दिखाना पड़ेगा, जलवा बरकरार रहे, इसलिए जलवा को हम एकदम अच्छे से जलवा दिखाएंगे। और जैसा कि सर ने बताया कि इसमें हर फिल्मों का एक उद्देश्य होता है कि कहीं ना कहीं एक संदेश दिया जाए, तो मैं इस फिल्म में भी जो मैं रियल में हूँ या देश में हमारे कहीं ना कहीं जो भी हमारे देश के यूथ को प्रॉब्लम है उस चीज़ को हम दर्शाएंगे, एक संदेश देंगे। और एक बाप बेटे का जो रिलेशन होता है उसमें आप लोगों को जलवा देखने को मिलेगा। फिल्म है तो रोमांस होगा, तो रोमांस का भी जलवा देखने को मिलेगा। फिल्म में हीरो है तो एक्शन का जलवा देखने को मिलेगा। और कुल मिला के हम लोग को यही है कि सामाजिक संदेश भी कहीं ना कहीं इस फिल्म के माध्यम से मिलेगा। फैमिलियर के साथ साथ इंस्पिरेशन भी मिलेगा। हाँ, फैमिलियर के साथ साथ इंस्पिरेशन देना जरूर, क्योंकि हम लोग जो दिखाएंगे वही दर्शक देखते हैं। और एक ये इस फिल्म का जो हीरो है आजकल के जो अभी चल रहा है उस समय का एक बच्चे की स्टोरी है, एक यूथ की स्टोरी है। यूथ आजकल जो बेरोजगार है उनकी रोजगार की कमी है, उस चीज़ को दिखाया जाएगा। एक ऐसा लड़का है जिसको जिसका बाप का सपना होता है उसको पूरा करने के लिए वो क्या क्या जलवा बिखेरता है आप लोग को इस फिल्म में देखने को मिलेगा। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको नमस्कार, मेरा नाम श्रुति राव है और अभी आप लोग जैसा कि देख रहे हैं जलवा फिल्म का मुहूर्त हुआ है और शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। फिल्म में क्या आपका कैरेक्टर है, किस तरीके से इसमें अपने को प्रस्तुत करेंगे दर्शकों के लिए, क्या है आपका कैरेक्टर? कैरेक्टर बहुत ही प्यारा है। सबसे पहले तो मैं सुजीत सिंह सर को जो कि हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस कॉन्सेप्ट में मुझे उन्होंने मतलब ट्रस्ट किया लाइक कि श्रुति करे। और इसके बाद हमारे फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं लोकेश मिश्रा जी, जो कि उन्होंने भी ट्रस्ट किया कि श्रुति से करना चाहिए। मैंने इस बैनर में इससे पहले भी एक फिल्म की है। और हाल ही की मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कल्लू जी के साथ तो मैं दिले इच्छा था कि मैं स्क्रीन शेयर करूँ, तो वो चीज़ अभी इस फिल्म में हो रही है क्योंकि आफ्टर 2 ईयर्स हमारे पास कॉन्सेप्ट आते थे, कभी डेट का इशू होता था तो कभी किसी चीज़ का मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती थी, तो हम लोग साथ में काम नहीं कर पाते थे। थैंक यू सुजीत सर, थैंक यू लोकेश सर कि हम दोनों को साथ में लेके आए इस फिल्म में, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। और रही बात मेरी अभिनय की, तो जैसा कि हमारे सर ने इसमें अपनी कलम से जो कि लिखवाया गया है ये कॉन्सेप्ट जलवा का है, उसके हिसाब से जो मेरा करेक्टर है मैं वो प्ले करने वाली हूँ।
मैम एक सवाल, ओरिजिनल लैंग्वेज की मूवी आजकल अक्रॉस इंडिया भी जा रही है, तमिल की मूवी उत्तर प्रदेश में या उत्तर इलाके में काफी प्रसिद्ध है, लेकिन भोजपुरी ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है? क्या भोजपुरी कर रही है? भोजपुरी कर रही है। लोग क्या होता है ना कि हमारे जो साउथ की मूवीज़ देखते हैं, चाहे अलग कंट्रीज की मूवी देखते हैं, तो वो लोग बोलते हैं प्राउडली, बट अभी भोजपुरी का देखने के बाद भी ना लोग, क्योंकि भोजपुरी में ऐसी कई सारी फिल्में और ऐसी कई सारे ऐसे क्लिप्स वायरल होते हैं ना, लाइक कॉमेडी के, चाहे सीन के, कि लोग देखते हैं उसको। आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, ऐसे अगर नहीं देखते तो 200-300 मिलियन या 1000 मिलियन थोड़ी होता। ऑब्वियसली सब देखते हैं, बट जुबानी नहीं बताते, मेरा ये पर्सनल मानना है।